नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रोडवेज विभाग में HCS अथवा IAS अधिकारियों के स्थान पर पुलिस के अधिकारियों की नियुक्ति के निर्णय के विरोध में आज रोडवेज कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। डिपो परिसर में कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे के इस प्रदर्शन में सरकार के निर्णय को गलत बताया और इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई। साथ ही पिछले दिनों रोडवेज की 18 दिनों की हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की गई। रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से विभाग के GM के माध्यम से महानिदेशक और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रोडवेज कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार लगातार मनमानीपूर्ण तरीका अपनाती आ रही है, जिसके चलते कई बार रोडवेज कर्मचारी और सरकार के बीच तनातनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार और हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें वापस लिए जाने की यूनियन की तरफ से लगातार मांग की जा रही है, मगर सरकार की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार मनमानीपूर्ण रवैया अख्तियार करते हुए HCS और IAS अधिकारियों के स्थान पर पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को रोडवेज में लगा रही है, जिनका यूनियन पूर्ण रूप से विरोध करती है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन नीतियों के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी आगामी 26 तारीख को हड़ताल करेगा। पलवल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आज का जो हमारा विरोध प्रदर्शन था, आज पूरे हरियाणा के अंदर सभी डिपो के अंदर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और जो ये मांग जो मुद्दे थे हमारे, हमने 18 दिन की जो हड़ताल की थी उसके अंदर हमारे जो कर्मचारी थे उनके ऊपर अलग अलग विभागों के कर्मचारी मजदूर जो 76 थे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लगातार हमारी सरकार से मांग है कि उन मुकदमों को वापिस लिया जाए। और जो सरकार इस प्रकार की जो रोडवेज घुसखोरने का जो काम कर रही है, आज हमारी लगातार मांग है कि कम से कम जनता को देखते हुए 11 लाख जो बसेज 11,000 बसेज हमारे बीच में आनी चाहिए थी, परंतु आज सरकार GM के ऊपर स्थान के ऊपर DSP या दूसरे विभागों के जो अधिकारी है वो हमारे रोडवेज के अंदर थोपे जा रहे हैं, परंतु एक सरकार इस बात का बहाना लगा करके काम कर रही है कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, परंतु ये जनता के बीच में सरकार को हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने 18 दिन की हड़ताल करके ये दिखा दिया गया है कि जो भ्रष्टाचार था वो मोटा था। जो प्राइवेट किलोमीटर स्कीम पर जो बसें देने का जो काम कर रही थी सरकार, वो विजिलेंस के अंदर दोषी पाए गए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई न करते हुए इस प्रकार की जो जनता के अंदर जो रोडवेज के कर्मचारियों को भ्रमित कराने का जो काम कर रही है, हम सरकार से ये मांग करते हैं या तो HCS IAS भर्ती करें और हमारे डिपार्टमेंटली जो अधिकारी हैं वो उन्हीं पद के ऊपर लगा जाए। इस प्रकार का अगर काम करेंगे तो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी किसी प्रकार के इसमें सहन नहीं करेंगे। आने वाली 26 तारीख को तमाम के तमाम हरियाणा रोडवेज के तमाम यूनियन के कर्मचारी हड़ताल करेंगे, और अगर उससे भी अगर सरकार सबक नहीं ली गई तो तालमेल कमेटी अपना एक बैठक करके निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। जो हमने ये ज्ञापन दिया है इसके अंदर जो अदर विभागों के जो अधिकारी हमारे अंदर रोडवेज के अंदर लगाए गए उनको हटाया जाए और हमारे HCS IAS के अधिकारी जो हमारी डिपार्टमेंटली उनको लगाया जाए और जो मुकदमे दर्ज थे कर्मचारियों को वो वापिस लिए जाए। तो जो आपने आज ज्ञापन दिया है किनको दिया हो? वो हमने जो ज्ञापन दिया है जनरल मैनेजर को दिया है, उसके माध्यम से यहाँ के DG मुख्यमंत्री सभी के पास हमने ज्ञापन भेजने का काम किया है। तो GM साहब ने क्या आश्वासन दिया? GM साहब ने अपना पूरा आश्वासन दिया कि आपका जो ये मांग और मुद्दे है ये ज्ञापन तमाम के तमाम जिसके भी भेजना है उसको हम भेजेंगे। क्या पद और क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव कुमार सोरण, तालमेल कमेटी फतेहाबाद